सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से लगातार सोशल मीडिया जो है वो एक जंग का मैदान बन चुका है। जी हाँ, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ ही जाती है। और ऐसे में हाल ही में कंगना रनौत ने शेखर कपूर के एक ट्वीट पर अपना रिस्पांस दिया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत रिलेटेड यशराज से कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया। जी हाँ, यशराज फिल्म्स से वो कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया, जहाँ पर तीन फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट थे। सबसे पहली फिल्म ऑफकोर्स शुद्ध देसी रोमांस, जो कि मनीष शर्मा ने डायरेक्ट की। सेकंड फिल्म व्योमकेश, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, जिसको दिबाकर बैनर्जी सर ने डायरेक्ट की थी। अब तीसरी फिल्म थी पानी, जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट पर सुशांत जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे थे। इस फिल्म की जो डिटेल्स है, इस फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है, वो एग्जैक्टली बाहर आने के बाद से शेखर कपूर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट कर काफ़ी कुछ बातें लिखी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताई उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से। और उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हुए कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने शेखर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जब से करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स ने फिल्म्स बनाना छोड़कर टैलेंट को मैनेज करना शुरू कर दिया है, जी हाँ, तब से ये सिर्फ अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं, टैलेंटेड लोगों को ऊपर नहीं आने देते, और साथ ही साथ रुथलेस बनते जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही इमोशनलेस और रुथलेस होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ खराब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं इंडस्ट्री में, और ये लोग टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं आने देते, और अगर टैलेंटेड लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर ये सीधा सीधा जो है, या तो वो मर जाते हैं वो लोग, या फिर यू नो उन्हें गायब करवा दिया जाता है इंडस्ट्री से, उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। ऐसे में अपनी नाराजगी जरूर जताई है कंगना रनौत ने भी और शेखर कपूर ने भी यशराज के इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और कहीं ना कहीं कंगना रनौत की बात से आप लोग कितने सहमत हैं, क्योंकि कंगना जो है वो लगातार सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात कर रही हैं। सिर्फ कंगना नहीं बल्कि पायल रोहतगी से लेकर, रूपा गांगुली से लेकर, तमाम एडवोकेट्स, लॉयर्स, उसके साथ साथ शेखर कपूर, ये जो तमाम लोग हैं, ये सब दिलों जान से चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले और साथ ही साथ सीबीआई की इंक्वायरी हो। सो कंगना रनौत के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।